नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो गैस, मकर संक्रांति आ चुकी है और मकर संक्रांति के अवसर पर एक नया स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको सिंपल सा आपको चले जाना होगा। आपका कैपकट नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पे मेरा मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, और गैस इसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपल से आप VPN कोई कनेक्ट कर लीजिएगा या प्ले स्टोर में आप सर्च करिएगा VPN तो आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम आपको कैपकट ओपन कर लेंगे। मेरा VPN ऑन है। ओके, कैपकट ओपन कर लेने के बाद क्लिक कर लेने के बाद गाइस, मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा वो मेरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, तो मैं सिंपल सा एक वीडियो ले लेता हूँ, वो भी मेरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, तो मैं सिंपल सा ले लिया हूँ। ऐड पे क्लिक करना है। तो गैस, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ऊपर वाला बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, उसको ऐसे इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हो जाने के बाद आप प्लस आइकन पे क्लिक करना है। गैस, जो भी मैं यूज़ करूँगा मटेरियल सब मिल जाएगा। प्लस आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद फ़ोटो पे चले जाना है। फ़ोटो पे चले जाने के बाद आप जो भी फ़ोटो यूज़ करना चाहते हो तो अभी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, इसमें 6 फ़ोटो ले लेना है। ओके, तो मैं 6 फ़ोटो ले लेता हूँ। इस तरह से लेने के बाद ऐड पे क्लिक करना है। ओके, तो इस तरह से ऐड हो चुका है। तो देख सकते हो इस तरह से हम लोग का फ़ोटो ऐड हो चुका है। ऐड हो जाने के बाद सिंपल सा इस जो फ़ोटो को क्लिक करना है, क्लिक करके इसको जूम कर लेना है। ओके, इसको फोटो सब फ़ोटो जितने भी सारे फ़ोटो है उसको एडजस्ट कर लेना है गाइस। तो मैं फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने सारे फ़ोटो को एडजस्ट कर लिए। गाइस, एडजस्ट करने के बाद देखिए इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो गाइस आपको एक म्यूजिक ले लेना है। तो मैं एक म्यूजिक ले लेता हूँ। तो गाइस, मेरा म्यूजिक ऐड हो चुका है। ओके, तो गाइस इस जो फ़ोटो है इसको आपको एडजस्ट करना होगा म्यूजिक के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ। गाइस, ड्यूरेशन आपको रखना है 1.88 सेकेंड। ओके, 1.8 सेकेंड रखिएगा। जो गाइस लास्ट का जो फ़ोटो है उसको आप कम भी रख सकते हो या ज़्यादा भी रख सकते हो। ओके, म्यूजिक के अकॉर्डिंग लास्ट वाला पार्ट रख लीजिएगा। तो गाइस, इस तरह से मेरे सारे जितने फ़ोटो है एडजस्ट हो चुका है। एडजस्ट हो जाने के बाद सिंपल से आपको इस आइकन पर क्लिक बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको इफेक्ट पे ऑप्शन पे चले जाना है। अभी गाइस यहाँ पर लिखा हुआ देखिए वीडियो इफेक्ट, तो उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस इसमें थोड़ा वेट करेंगे। ओके, आ गया। तो गाइस इसमें आपका सेक्ट इफेक्ट आएगा। ओके, एक सेक्ट इफेक्ट ले लेना है। तो मैं फटाफट से सेक्ट इफेक्ट ले लेता हूँ। तो गाइस इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो गाइस इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस इस तरह से हो चुका है। ओके, इस तरह से हो जाने के बाद गाइस आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए गाइस एनिमेशन लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कॉम्बो पे उसमें चले आना है। चले आने के बाद सिंपल सा यहाँ पर स्क्रॉल करना है। ओके,
गाइस यहाँ पर लिखे स्ट्राइलिंग लिखा हुआ है, तो उसको आपको क्लिक कर लेना है इस तरह से, तो इस तरह से आपका फ़ोटो में एनिमेशन बन के आएगा। ओके तो गाइस इस सारे फ़ोटो में अप्लाई कर देना है, तो मैं फटाफट से अप्लाई कर देता हूँ, आप भी अपने कर लीजिएगा। ओके तो गाइस सारे फोटो में एनिमेशन लग चुके हैं, आप लोग देख सकते हो इस तरह से। ओके इस तरह से लग जाने के बाद तो गाइस यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन पे आ जाना है, और गाइस फिर से हम लोग को चले जाएंगे वीडियो इफेक्ट पे। वीडियो इफेक्ट पे आ जाने के बाद आपको सिंपल सा इसमें दिखेगा आपका ग्लो इफेक्ट। ओके तो मैं फटाफट से ग्लो इफेक्ट ले लेता हूँ। तो गाइस गोल्डन ग्लो, ओके ये वाला इफेक्ट आएगा इस तरह से, तो इसको थोड़ा तो गाइस इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम ही रखेंगे, अपने अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। ओके तो गाइस कुछ इस तरह से आएगा, तो आपको एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस इस तरह से बन के आ जाएगा, देख सकते हो आप। ओके एनिमेशन देख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से मिला लेंगे थोड़ा सा। ओके तो गाइस इस तरह से हो जाने के बाद आपको सिंपल सा इसको अगर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपल सा इसमें क्लिक करना है, एडजस्ट पर इस पर क्लिक करेंगे गाइस आपको अकॉर्डिंग बिट मिला लीजिएगा। ओके तो इस तरह से रेशियो बढ़ा लीजिएगा, आप स्मूथ चाहते हैं स्मूथ भी कर सकते हो। ओके 60 fps भी रख सकते हो, या फ्रेम रेट 30 fps भी रख सकते हो। उसके बाद गाइस आपका साइड में देख सकते हो एरो का ऑप्शन आ रहा है, तो उसको आपको क्लिक कर लेना है, और गाइस इस तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके तो आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।